बहुत परेशान रहते हो ना अपने बेबी हेयर्स को लेके, अनचाहे हेयर्स को लेके। जी हाँ गाइस, चाहे वो हमारे अंडर आर्म्स हो या हमारे फेस के हेयर हो, तो नेचुरल तरीके से इनको कैसे रिमूव किया जाए वो तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ बातें कर लेती हूँ आपसे। आपने देखा होगा कि पार्लर में हम जाते हैं, पार्लर में क्लाइंट आता है और नेचुरल तरीका तो पार्लर में कोई मतलब ही नहीं है आपके हेयर्स रिमूव करने का, वहां पर हम वैक्स के ही यूज करते हैं। हाँ, वैक्स कई तरीके की होती हैं, आपने ऑयल वैक्स करानी है, आपने रीका करानी है, आपने बीन वैक्स करानी है, या आप कह लीजिए हनी वैक्स करानी है, बट पेन तो सभी से ही होना है। और सबको एक प्रॉब्लम है कि पेन नहीं होना चाहिए, मतलब पेन फ्री होनी चाहिए, कोई ऐसी तरीका हो जिससे जब हमारी स्किन से बाल निकले तो पेन नहीं होना चाहिए। तो गाइस ऐसा कोई तरीका नहीं है, मैं आपसे बता दूं पेन होता है, बस इतना अंतर आता है कि कहीं पे ज्यादा और कहीं पे कम, यानी कि चींटी के तरीके से, ठीक है। तो इतना तो सहन करना ही पड़ेगा क्योंकि स्किन में से बाल निकल रहा है, तो ऐसी कोई टेक्निक अभी तक नहीं बनी है कि आपको पेन नहीं हो। हाँ, कम हो सकता है, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी को बहुत ज्यादा होता है, किसी को बहुत कम होता है, किसी को थोड़ा फील होता है, तो हाँ ऐसा है कि बहुत कम हो सकता है। आपने देखा है कि काफी ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं बेबी हेयर्स को लेके, तो लेजर ट्रीटमेंट लेने लगते हैं क्योंकि काफी ज्यादा हेयर्स हो जाते हैं, हार्ड हेयर्स हो जाते हैं, तो उनका एक ही सोल्यूशन है कि वो लोग लेजर ही ट्रीटमेंट लेते हैं, बट उसके बाद भी कुछ नहीं होता है, वहीं के वहीं फिर से वही हेयर जो है ग्रोथ हो जाती है। कुछ टेक्निक में ऐसा हो जाता है, जिनकी लाइट ग्रोथ होती है उनके बाल तो गायब हो जाते हैं, बट जिनके हार्ड हेयर होते हैं ना, वो चाहे वैक्स करा लें, वो चाहे नेचुरल थेरेपीज ले लें, वो चाहे लेजर टेक्निक ले लें, या और तमाम तरीके की टेक्निक ले लें, ठीक है। और आप कह लीजिए कि ये, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हम तो दीदी वीट का यूज कर लेते हैं, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि वीट बिल्कुल भी हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं, वीट जैसे जितने भी क्रीम्स होते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन को ब्लैक करते हैं, ठीक है। तो कुछ चीजें नेचुरल हैं तो उन्हें नेचुरल ही रहने दीजिए, यानी कि अगर अंडरआर्म्स के लिए हैं तो अंडरआर्म्स पे आप यूज कर लीजिए अगर आप पेन से बचना चाहते हैं, बट उसका यूज आप अपनी स्किन पर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के ना मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है गाइस, आपके किचन में अवेलेबल हो जाएंगे, बट आपको आपको करने क्या है, आपको कम से कम 7 दिन यूज करना। अगर आपका बहुत नेचुरल हेयर है और आपने कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया है, अगर आपने कभी फेस पर रेजर यूज नहीं किया है, आपने वैक्स नहीं कराई है, आपने लेजर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो मेरे कहने से आप एक बार, अगर आप टीनेज हैं तो आप नेचुरल तरीके से अपने हेयर्स को निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि गाइज ये नेचुरल चीज जो होती है ना, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बट रिजल्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ आपको, कोई बहुत ज्यादा चीजें आपको लाने की जरूरत नहीं है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नंदिनी ब्यूटी सलून। गाइस मैं हूँ नंदिनी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच आटा ले लिया, ठीक है। आप चाहे तो बेसन भी ले सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर आटा ले लिया है क्योंकि आटा हमारी स्किन पे अपने हमारे हेयर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से पकड़ बना लेता है, जिनको निकालने में आसानी होती है, ठीक है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट गाइस मैं इसके अंदर ऐड करूंगी नींबू। जी हाँ गाइस, नींबू को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे क्योंकि नींबू में गाइस ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जी हाँ गाइस, जो कि ये बालों को ब्राउन भी करती है और साथ के साथ जड़ से बालों को कमजोर बनाने में बहुत मदद करता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, तो ये हमारी स्किन को नरिश भी करता है। अगर आपके कोई दाग धब्बे वाली प्रॉब्लम है तो उसको भी क्लीन करता है, यानी कि कह लीजिए ये एक तरीके से हाइड्रोजन जैसा वर्क करता है, ठीक है। और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट गाइस मैं इसमें डालूंगी नारियल का तेल। जी हाँ गाइस, नारियल का तेल इसलिए डालना है क्योंकि जब आप इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लेंगे तो उसको निकालने में आसानी होगी और बत्ती की तरह, यानी धीरे धीरे रबड़ की तरह, बत्ती की तरह बन बन के ये आपके फेस से निकल जाएगा, जिस तरीके से हम उपटन करते हैं ना, उस तरीके से इसे निकालने में आसानी होगी, ठीक है। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको पानी के साथ में। तो मैंने यहाँ पर रोज वाटर ले लिया था, अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप पानी के साथ मिक्स कर सकते हैं। आप इसकी थिकनेस देख लीजिए, बहुत ज्यादा पतला नहीं, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं, और आपको इसको अपने पूरे फेस पर लगा लेना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैंने फेस को सबसे पहले वॉश कर लिया था। मैं अक्सर अपनी हर वीडियोस में बताती हूँ कि आप जब भी कोई रेमेडी कर रहे हैं, हमेशा कभी भी किसी भी टाइम कर रहे हैं, सुबह कर रहे हैं, दोपहर कर रहे हैं, या शाम के टाइम में या रात में करें, आपको फेस वॉश करना है, ठीक है। उसके बाद में ही आप अपनी रेमेडी को
लगाना स्टार्ट करेंगे या यूज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसे अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। इसी तरीके से आपने भी लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, जहां जहां आपके हेयर्स हो तो वहां भी लगा सकते हैं, अगर आपकी स्किन पर फुल बेबी हेयर्स हैं तो पूरे फेस पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए मैंने इसे रोक दिया था, तो ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था। और ड्राई होने के बाद में आपको क्या करना है गाइस, हल्के हल्के हाथों से अपने फेस की मसाज करनी है। देखिए इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, अक्सर आप वीडियोस देखते रहते हैं इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। काफ़ी वीडियोस मैं इस टॉपिक पर बना चुकी हूँ, लेकिन ट्राई भी करती रहती हूँ कि कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हो आप लोगों को परेशानी ना आए, जिन्हें यूज़ करने के बाद पेन फ्री भी हो। तो गाइस आप जब इस रेमेडी को यूज़ करेंगे तो हल्का सा ईचिंग हो, क्योंकि जो आपका बाल है ना वो धीरे धीरे रिमूव होता है अंदर ही अंदर, और ब्लीच भी होता है तो उसकी वजह से हल्की सी बहुत छोटी सी इचिंग होती है, बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है, तो आपको उसके बाद में हल्के हल्के हाथों से ये देखिए रगड़ना है, जैसे मैं रगड़ रही हूँ इस तरीके से आपको पूरे फेस पे रगड़ लेना है। और रगड़ने के बाद में गाइस आपने एक बार क्या करना है, पानी को अपने फेस पर स्प्रे कर लेना है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब हम ये उपटन करते हैं तो उसके बाद में छोटे छोटे से जहां जहां हमारे हेयर्स रह जाते हैं वहां वहां हमारी स्किन पर ये आटा कह लीजिए रेमेडी ये रह जाती है। ठीक है, तो उसको ये नरम बना देगी, और नरम करने के बाद में आसानी से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी होगी निकालने में इस पैक को। तो देखिए गाइस मैंने टॉवल से इसे क्लीन कर दिया है, लेकिन अगर टॉवल से क्लीन ना हो तो आप एक बार जाके बाथरूम में अच्छे से साफ पानी से अपने फेस को, अगर गर्मियों में कर रहे हैं तो ठंडे पानी से या ताजे पानी से क्लीन कर लें। ये देखिए मैंने जो है अभी यहाँ टॉवल से कर रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि पहले उसमें आप मेरे स्किन कितनी क्लीन देखेंगे, यानी कि जो मेरे सॉफ्ट बेबी हेयर्स हैं वो निकल चुके हैं। लेकिन गाइज अगर आप 7 दिन रेगुलर इसका यूज करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ नेचुरल तरीके से भी हम अपने फेस के हेयर्स को निकाल सकते हैं अगर वो नेचुरल हैं। ठीक है, तो गाइस अब आपने क्या करना है, जब आप फेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे तो आप लास्ट में क्या होता है ना, क्योंकि स्किन से बाल निकलता है तो स्किन में हल्की हल्की इचिंग होती है, उसको दूर करने के लिए हमें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर आप इसे डे में कर रहे हैं, यानी आप अगर इसे दिन में कर रहे हैं रेमेडी को, तो आपको 1 घंटे के लिए एलोवेरा लगा के अपनी स्किन को बाद में वॉश कर लेना है। और अगर आप नाइट में कर रहे हैं तो गाइस आप इस प्रोसेस को जो लास्ट में एलोवेरा जेल से मसाज देंगे इसको फुल नाइट के लिए अपनी स्किन पर छोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी स्किन को अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद आपकी इचिंग आपकी छोटी छोटी जलन उसको बिल्कुल खत्म कर देगा। तो बहुत ही यूजफुल रेमेडी है गाइस, और बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बिल्कुल नेचुरल है, इसमें कुछ भी आपको बाहर से इंग्रेडिएंट लाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको अपनी किचन में ही अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है गाइस, सो वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, टीनेज सिस्टर्स को शेयर करें, बेटियों को शेयर करें, ताकि उनको इस तरीके की प्रॉब्लम से काफ़ी परेशान रहती हैं, पार्लर नहीं जा पाती, क्योंकि सब तरीके की फैमिलीज होती हैं, कुछ लोग अवॉइड करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा फ्रैंक होते हैं, और कुछ लोग नहीं भी होते हैं, बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जो लोग बच्चियों को घर से बाहर नहीं भेजते हैं, तो वो इस तरीके से अपने फेस की केयर कर सकती हैं। सो गुड नाइट गाइस, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।